हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विस्तृति एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड भर्ती की हमने सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें लगभग 5-6 से 7 वीडियो अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देखिएगा, क्योंकि उसमें लाइब्रेरियन भर्ती के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखा गया है। और आज के इस हमारे 7th या 8th वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1 इस लिस्ट का, क्योंकि हम थर्ड यूनिट के 150 क्वेश्चंस तक आ चुके हैं, लेकिन इस वीडियो का ये पहला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 150 देखते हैं हम। कॉलन क्लासिफिकेशन के मुख्य वर्ग वी इतिहास में, वी किसको इंगित कर रहा है? इतिहास यानी कि हिस्ट्री के लिए। और उसमें P1 पक्ष किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? वर्णक्रम विधि द्वारा, कालक्रम विधि द्वारा, विषय विधि द्वारा या भौगोलिक विधि द्वारा? तो इस P1 को भौगोलिक विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ज्योग्राफिकल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 151, रंगनाथन द्वारा पंक्ति हेतु कितने मंडल की पहचान की गई है? तो रंगनाथन के द्वारा कुल कितने मंडल की पहचान की गई है? 5 मंडलों की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 152, द्विबिंदु वर्गीकरण में निम्नलिखित में से किस विधि में एक मुख्य वर्ग के किसी पक्ष या वर्ग पंक्ति में किसी अन्य मुख्य वर्ग से उपयुक्त एकल संख्या अस्थायी संख्या बनाकर प्रयोग करने का प्रावधान है? ये किस विधि द्वारा है? तो ये है विषय विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिकल क्वेश्चन से रिलेटेड होते हैं। कई बार एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, जैसे कि लाइब्रेरियन की आपने तैयारी की है तो आपको पता ही होगा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तो काफी बड़े होते हैं, उनको MCQs में नहीं दिया जा सकता, तो उन्हें MCQs में इस तरह से दिया जाएगा, या फिर कोई नंबर देकर या सिम्बॉल देकर कि ये सिम्बॉल किसको दर्शाता है ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 153, वह विधि जिसमें प्रारंभिक वर्णों का प्रयोग वर्गांक को अधिक स्पष्ट तथा विस्तृत करने के लिए किया जाता है, उसको निम्नलिखित में से कौन सी विधि कहते हैं? वर्णक्रम विधि, विषय विधि, अध्यारोपण या फिर भौगोलिक विधि? वर्गांक को अधिक स्पष्ट और विस्तृत बताने के लिए कौन सी विधि होगी? वर्णक्रम विधि। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 154, मुख्य वर्ग ओ साहित्य में P4 किसको दर्शाता है? P4 किसे दर्शाता है? P2, P3, P4 इस तरह से P होते हैं, उसमें जो P4 होता है वो कृति संख्या को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, कृति संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 155, कॉलन क्लासिफिकेशन के 6th संस्करण में दशा संबंध हेतु किस योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? इसमें 0 का प्रयोग किया जाता है, 0 का प्रयोग किया जाता है, कौन सा योजक चिन्ह होगा? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 156, कॉलन क्लासिफिकेशन CC के 6th संशोधित संस्करण के अनुसार हीरो साइकिल का वर्गांक D5125H है। तो ये पूरा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, जिसकी प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर अच्छी पकड़ होगी वो इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। यह वर्गांक निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा निर्मित हुआ है? तो ये वर्गांक किस विधि द्वारा निर्मित हुआ है? वर्ण क्रम विधि द्वारा निर्मित हुआ है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 157, कॉलन क्लासिफिकेशन के 6th संशोधित संस्करण के अनुसार मुख्य वर्ग आई बॉटनी में पौधों के भाग का व्यवस्थापन निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के अनुसार किया गया है? तो बॉटनी में पौधों के भाग का व्यवस्थापन नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, परवर्ती विकास या उपयुक्त सभी? तो यहाँ पर बॉटनी में जो व्यवस्थापन किया गया पौधों के भाग का, वो नीचे से, ऐसे नीचे से ऊपर की ओर एरो जाता है, तो फिर नीचे से ऊपर की ओर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 158, कॉलन क्लासिफिकेशन में परंपरागत विभागों की गणना संबंधित अनुसूची के किस भाग में की गई है? कॉलन क्लासिफिकेशन में परंपरागत विभागों की गणना किस अनुसूची में? तो ये प्रारंभ अनुसूची में की गई, प्रारंभिक भाग में की गई है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 159, कॉलन क्लासिफिकेशन के 6th संशोधित संस्करण के अनुसार 654 AD का अंकन क्या होगा? 654 AD का अंकन क्या होगा? कि इसमें डी फिर 654 आएगा, पहले अल्फाबेट आएगा, फिर उसके बाद में क्या आएगा? अंकन आएगा, जो भी ईयर होगा 654। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 160, कॉलन क्लासिफिकेशन के 6th संस्करण में आगामी समय फ्यूचर टाइम को किस चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है? शिरोमुखी तीर, अधोमुखी तीर, अग्र तीर या फिर पश्च तीर? तो इसके कौन से, अग्र तीर की ओर, अग्रमुखी तीर की ओर दर्शाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 161, कॉलन क्लासिफिकेशन में ग्रंथालय विज्ञान लाइब्रेरी साइंस निम्नलिखित में से क्या है? ये एक परंपरागत मुख्य वर्ग है, नवजात मुख्य वर्ग है, रूढ़िगत वर्ग है या फिर परंपरागत वर्ग है? ये एक नवजात मुख्य वर्ग है। ऑप्शन नंबर बी
राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 162, रंगनाथन ने अवशेष की विधि मेथड ऑफ रेसिड्यू की किस पक्ष की प्राप्ति हेतु अनुशंसा की है, किस पक्ष की प्राप्ति हेतु अनुशंसा की है, किसमें मेथड ऑफ रेसिड्यू में, तो इसमें व्यक्तिगत व्यक्तित्व पक्ष के लिए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 163, कॉलन क्लासिफिकेशन में वर्गांक, ये पूरा वर्गांक दे रखा है, L185 फिर डैश है, उसके बाद है 74 कॉलन 4 कॉलन 7 के निर्माण में किस विधि का प्रयोग किया गया है, ये सीसी का क्वेश्चन है और ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर हमें आते हैं तो उसका हम थ्योरी में भी अगर वो क्वेश्चन पूछ लें तो भी हम कर सकते हैं, तो ये एक अध्यारोपण विधि का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 164, कॉलन क्लासिफिकेशन में मुख्य वर्ग ओ साहित्य में P2, पहले पूछा था P4 पक्ष या फिर P1 पक्ष के बारे में पूछा था प्रीवियस क्वेश्चन में, यहाँ पर P2 पक्ष किसको दर्शाता है, तो P2 पक्ष दर्शाता है स्वरूप पक्ष को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 165, कॉलन क्लासिफिकेशन में मातृ देश मदर कंट्री को किस संख्या द्वारा दर्शाया गया है, सीसी में भी एक टेबल होगी, DDC की भी एक टेबल होती है, ये दोनों टेबल अच्छे से याद करना जरूरी है, इनमें से कई बार क्वेश्चन आते हैं कि डेल्टा कौन से सब्जेक्ट को दर्शाता है, टू, तो यहाँ पर आंसर कौन सा होगा, मात्र मदर कंट्री को क्या दर्शाता है, कौन सा नंबर, नंबर टू दर्शाता है। कई बार पूछते हैं कि ग्रंथालय विज्ञान को कौन से अल्फाबेट से दर्शाया गया है, इस तरह से, तो ये एक दो टेबल होती है सीसी और LDC की, सीसी और DDC की, उन्हें हमें याद करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 166, SR रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों तथा अभिधारणाओं के अनुसार द इफेक्ट ऑफ रेडिएशन ट्रीटमेंट ऑफ लंग कैंसर के विचार अवयव का क्रम क्या होगा, इसमें सबसे पहले कौन सा विषय आएगा, तो कौन सा विचार आएगा, सबसे पहले मेडिसिन, फिर उसके बाद में आएगा लंग, फिर उसके बाद में आएगा कैंसर, कैंसर के बाद ट्रीटमेंट और उसके बाद रेडिएशन इफेक्ट्स, तो इस तरह से चलेगा पूरा ये, मेडिसिन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 167, मूलभूत श्रेणी समय टाइम को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है, सर्वाधिक मूर्त, सबसे कम मूर्त, सबसे कम अमूर्त या फिर स्थान से अधिक मूर्त, यहाँ पर सबसे कम मूर्त माना जाता है किसको, टाइम को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 168, एक वर्गीकरण पद्धति की अंकन प्रणाली में रिक्त अंक एक ऐसा अंक है, कई ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शन में क्या है, जिसमें क्रमिक मूल्य नहीं होता है, जिसमें उपयोग में नहीं लिया जा सकता, जिसमें अर्थ तत्व मूल्य नहीं होता है, या फिर जिसमें क्रमिक मूल्य तो होता है परंतु अर्थ तत्व मूल्य नहीं होता है, इसमें क्या चीज होती है, अर्थ तत्व और मूल्य नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 169, कॉलन क्लासिफिकेशन के सप्तम यानी कि सातवें संस्करण के प्रकाशक का नाम बताइए, कॉलन क्लासिफिकेशन का जो सातवां संस्करण था वो रंगनाथन द्वारा ही किया गया था, रंगनाथन के इंस्टीट्यूट द्वारा, उसका नाम क्या था, शारदा रंगनाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, और इसका जो नाम होता है वो क्या है, एस विल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 170, वह सामान्य एकल जिसे जोड़ने के लिए योजक चिन्ह की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, विशिष्ट सामान्य एकल, विशेष सामान्य एकल, पूर्ववर्ती सामान्य एकल या फिर परवर्ती सामान्य एकल, तो इसे क्या कहा जाता है, परवर्ती सामान्य एकल, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 171, सामान्य एकल कॉमन आइसोलेट जिसे जोड़ने के लिए योजक चिन्ह की आवश्यकता नहीं है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे पूर्ववर्ती सामान्य एकल कहा जाता है, आवश्यकता होती है उसे तो कहा जाता है परवर्ती सामान्य एकल, और जिसके लिए योजक चिन्ह जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है उसे कहा जाता है पूर्ववर्ती सामान्य एकल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 172, PMEST में समय पक्ष टी निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है, यहाँ पर P का मतलब होता है पर्सनैलिटी, M का मतलब होता है मैटर, E का मतलब होता है एनर्जी, S का मतलब होता है सीरीज और T का मतलब होता है टाइम, और ये किस श्रेणी में आता है, तो सर्वाधिक अमूर्त श्रेणी में आता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 173 कॉलन यानी कि CC और DDC ड्यूल दशमलव वर्गीकरण पद्धति के मानव शरीर के अंगों का किस सिद्धांत द्वारा क्रम निर्धारित किया जाता है, इसमें मानव शरीर के अंगों का किस क्रम में, ऊपर से नीचे की ओर, इसमें एरो ऊपर से नीचे की ओर आएगा, और उससे पहले हमने पढ़ा था बॉटनी में पौधों के भागों किस क्रम में विभाजित किया गया या फिर किस क्रम में निर्धारित किया गया, तो बॉटनी में पौधों के भागों को तो किया गया नीचे से ऊपर की ओर, लेकिन यहाँ पर मानव शरीर के अंगों को व्यवस्थित किया गया है ऊपर से नीचे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 174, PMEST क्रम निम्नलिखित में से किस में प्रयुक्त किया जाता है, मुख्य श्रेणियों में, परंपरागत वर्ग में,
मूल वर्गों में या फिर ज्ञान के संपूर्ण क्षेत्रों में PMEST जो क्रम है वो पूरे ज्ञान के संपूर्ण क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 175, वी बिंदु वर्गीकरण पद्धति में पूर्ववर्ती सामान्य एकलों को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? सामान्य एकलों को पूर्ववर्ती सामान्य एकलों को किस क्रम में किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो ये दर्शाया जाता है रोमन स्मॉल तथा भारतीय अरबी अंकों में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 176 वी बिंदु वर्गीकरण पद्धति में स्थान एकल में अंक 3 का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? विश्व वर्ल्ड के लिए, मातृ देश के लिए, इष्ट देश के लिए या फिर ग्रेट ब्रिटेन के लिए? 3 अंक का प्रयोग किया जाता है इष्ट देश फेवर्ड कंट्री के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। हमने प्रीवियस पहले वाले क्वेश्चन में देखा था कि मातृ देश के लिए कौन सा अंक प्रयोग में लिया जाता है, तो इसके लिए लिया जाता है 2 अंक। अंक 2 का प्रयोग किसके लिए? मातृ देश के लिए। इष्ट देश के लिए किसका प्रयोग? 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 177, नियंत्रण बीमारी मलेरिया मस्तिष्क प्रायोगिक वर्गीकरण का किस प्रकार का शीर्षक होगा? ये किस प्रकार का शीर्षक होगा? कर्नेल शीर्षक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 178, क्रियात्मक वर्गीकरण के 9 चरणों में से पहले 5 चरण किससे संबंधित है? तो पहले 5 चरण किससे संबंधित होंगे? वैचारिक धरातल से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 179 क्वेश्चन नंबर 179, कॉलन क्लासिफिकेशन के प्रायोगिक वर्गीकरण के निम्नलिखित चरणों को क्रमानुसार जमाइए। तो इनके सभी चरणों को क्रमानुसार जमाना है हमें। सबसे पहले कौन से आएंगे? सकेंद्रीय, संख्या के शीर्षक, रूपांतरित शीर्षक, पूर्ण शीर्षक या फिर विश्लेषित शीर्षक। ये 4 ऑप्शन दिए हुए, हमें इन्हें अरेंज करना है। सबसे पहले कौन सा आएगा? विश्लेषित शीर्षक। नंबर 2 पर आएंगे नंबर 2 वाले रूपांतरित शीर्षक। थर्ड नंबर पर आएंगे पूर्ण शीर्षक। और लास्ट में कौन सा आएंगे? संकेंद्रीय शीर्षक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सबसे पहले ये 4 आएगा, 4 2 3 1, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 180, नियंत्रण बीमारी मलेरिया मस्तिष्क प्रायोजित वर्गीकरण के किस चरण से संबंधित है? 180 क्वेश्चन, नियंत्रण बीमारी मलेरिया मस्तिष्क प्रायोजित वर्गीकरण के किस चरण से संबंधित है? मूल शीर्षक, बीजक शीर्षक, बीज शीर्षक, रूपांतरित शीर्षक या फिर प्रमाणिक शब्दों के में शीर्षक? तो इसका राइट आंसर होगा बीज शीर्षक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 181, कॉलन क्लासिफिकेशन में प्रायोगिक वर्गीकरण का चौथा सोपान कौन सा है? इसका चौथा सोपान कौन सा है सीसी में प्रायोगिक वर्गीकरण का? तो यह है रूपांतरित शीर्षक, ट्रांसफॉर्म टाइटल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 182, रंगनाथन ने प्रलेख को वर्गीकृत करने के लिए कितने सोपानों का उल्लेख किया है? रंगनाथन द्वारा कितने सोपानों का उल्लेख किया गया है? 9, कुल 9, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 183, रंगनाथन के प्रलेख को वर्गीकृत करने के लिए प्रयुक्त तृतीय सोपान का नाम बताइए। थर्ड स्टेप कौन सा है? तो रंगनाथन के अनुसार विश्लेषित शीर्षक इसका थर्ड स्टेप है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 184, कॉलन क्लासिफिकेशन सीसी का प्रथम संस्करण 1933 में किस प्रकाशक द्वारा प्रकाशित किया गया था? इसे किस प्रकाशक द्वारा प्रकाशित किया गया? तो ये मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित किया गया है। सीसी के कुल 7 संस्करण है, जिसमें से कौन सा संस्करण कौन से सन में आया है और उसका प्रकाशक कौन है, ये हमें याद रखना है। तो इसमें प्रथम संस्करण के बारे में पूछा गया था कि इसका प्रकाशक कौन है, तो ये है मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। और कब आया था? तो ये आया था 1933 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 185, क्वेश्चन नंबर 185, एस एवं एस टू पक्ष के मध्य कौन सा योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? इन दोनों के एस और एस टू के बीच कौन सा योजक चिन्ह होगा? तो ये होगा डॉट, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 186, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारे जो 186 से क्वेश्चन आएंगे वो डीडीसी से रिलेटेड होंगे सारे क्वेश्चन। तो यहाँ पर फर्स्ट डीडीसी का 186 क्वेश्चन है, ग्रंथालय वर्गीकरण का पितामह किसे कहा जाता है? यहाँ ग्रंथालय वर्गीकरण का पितामह पूछा है, यानी कि फादर ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, तो वो कौन है? मेलविल ड्यू, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। इन सबकी उपाधियाँ, इन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स लिए हैं, उन सबको हमें याद रखना जरूरी है। इस क्वेश्चन में भी इनकी एक तरह से उपाधि है कि ये इन्हें पूरे ग्रंथालय जगत में वर्गीकरण का क्या कहा जाता है? पितामह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 187, फोनिक्स शेड्यूल किस वर्गीकरण पद्धति में दिया गया है? ये डीडीसी में दिया गया है, ड्यूल दशमलव वर्गीकरण में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 188, ड्यूल दशमलव वर्गीकरण में कॉमर्स का अंकन क्या अंकन है? तो कॉमर्स का अंकन है, ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कॉमर्स को 180 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 189,
डीडीसी में स्टडी और टीचिंग के लिए प्रयुक्त मानक उप विभाजन का अंकन बताइए। उप विभाजन का अंकन क्या है? सी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, 7। उप विभाजन का अंकन क्या दिया गया है? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 190, डीडीसी में इंग्लिश पोएट्री का क्या अंकन है? तो इसका अंकन क्या होगा? 821। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। यहाँ सारे फैक्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको डीडीसी की सारी टेबल्स मिल जाएगी, इंटरनेट पर भी मिल सकती है, आपको कई सारी बुक्स में भी मिल जाएगी, और उनमें जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पर रिपीटेड क्वेश्चन है, जैसे इंग्लिश पोएट्री, तो यहाँ पर आपने देख लिया, तो यहाँ ये याद रह गया। हो सकता है यही क्वेश्चन रिपीट हो जाए और दिमाग में रह जाए, पूरी टेबल को कोई भी याद नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें हम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 191, द्वि दशमलव वर्गीकरण का 20वां संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? 20वां संस्करण प्रकाशित हुआ था 1989 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 192, डीडीसी का दो खंडों में प्रकाशन किस संस्करण से प्रारंभ हुआ है? दो भागों में प्रकाशन शुरू हुआ था, वो हुआ था 16वें संस्करण से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 193, द्वि दशमलव वर्गीकरण में 18वें संस्करण में कितनी सारणियों का प्रावधान है? ऑप्शन नंबर 7, इसमें कितनी 7 सारणियों का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। यहाँ पर डीडीसी की जितने भी संस्करण हैं उनकी अलग से क्या विशेषताएं थी? हर साल कुछ ना कुछ नया ऐड होता था, उसके लेखक हर साल कोई ना कोई प्रकाशक चेंज हुए हैं, अगर हुए हैं तो हमें याद रखना है कौन सी ईयर से ये दो भागों में विभाजित हुआ था, इसकी टेबल्स 4 टेबल कब थी, 5 टेबल कब थी, 7 टेबल कब थी, तो ये इन सबको याद करना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 194 पर आते हैं, द्वि दशमलव वर्गीकरण में फोनिक्स शेड्यूल क्या दर्शाता है? फोनिक्स शेड्यूल दर्शाता है डीडीसी में पूर्ण रूपेण संशोधित वर्ग को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 195, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गांक डीडीसी के क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय संक्षेपक के भाग है? तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? 300, 320 और 324। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ये भी एक प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 196, द्वि दशमलव वर्गीकरण में मुख्य वर्ग 500 किस वर्ष विषय को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, विज्ञान को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 197, डीडीसी की पांचवीं सारणी का नाम बताइए। डीडीसी की जो पांचवीं सारणी है उसका नाम क्या है? प्रजाति, मानववंशी और राष्ट्र समूह, इसकी पांचवीं सारणी का नाम है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 198, डीडीसी का 22वां संस्करण किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था? अब जैसे कि यहाँ पर इस संस्करण का ईयर पूछ लिया, किसी में इसका प्रकाशक पूछ लेंगे, तो किसी में इस संस्करण की या अन्य जितने भी संस्करण है डीडीसी की उनकी कोई अलग से यूनिक विशेषता होगी तो उसके बारे में पूछ लेंगे, या क्या चीज नई जोड़ी गई है इस संस्करण में वो पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर इसका वर्ष पूछा है इसका 22वें संस्करण का, तो 22वां संस्करण प्रकाशित हुआ था डीडीसी का 2003 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 199, अब द्वि दशमलव वर्गीकरण के प्रकाशन की जिम्मेदारी किस पर है? तो कौन सी संस्था पर है और डीडीसी के प्रकाशन की जिम्मेदारी है? तो वो है OCLC। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, OCLC। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। हम डेली हर वीडियो में 50 क्वेश्चंस लेते हैं, उन 50 क्वेश्चंस को हम अच्छे से एक बार देखते हैं, क्योंकि हमारी नज़रों के सामने से अगर कोई क्वेश्चंस निकल जाता है तो वो एग्जाम में अगर रिपीट हो जाता है तो वो याद भी आ जाता है। इनमें से कई सारे क्वेश्चंस आपको आते होंगे और कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते होंगे, लेकिन आपको डिमोटिवेट नहीं होना है क्योंकि एग्जाम नज़दीक है और आप सबको पता ही है कि एडमिट कार्ड भी आ चुका है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आज के हमारे इस लास्ट वीडियो के लास्ट क्वेश्चंस को हम देखते हैं कि डीडीसी के 23वें संस्करण में कितनी सारणियां दी गई है। डीडीसी के 23वें संस्करण में कुल 6 सारणियां दी गई है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। तो आज का वीडियो बस यहीं पर खत्म होता है हमारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।